कुछ चीजें और सुंदर हो गई है, कुछ चीजें। आप सभी को एक बड़ा शॉक देने वाले हैं हम। तीसरा क्या है चिरा? बैंगन बहुत सारे आए तो हम सोच रहे हैं सबको निकालें। बढ़िया बढ़िया आ गए सब में। बहुत जल्दी आप एक ये चेंज देखेंगे। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेघा एंड चिराग। आज वीडियो शुरू करने से पहले ना, सबसे पहले आप सभी को हम तहे दिल से थैंक यू बोलेंगे हमारी ये गार्डनिंग वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। गार्डनिंग तो देखो चिराग और मुझे दोनों को ही शौक था और बहुत पहले से करते थे, बट ये है कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमने थोड़ी शुरुआत की अपनी गार्डनिंग। अपडेट्स हम अपने चैनल पे देते रहते थे, बस आप सभी ने इसको इतना प्यार दिया, थैंक यू फॉर दैट। तो चलिए इसी के साथ अब आपको एक रियल टाइम अपडेट भी दे दें। हम यहाँ वापस देहरादून कुछ 20-25 दिन बाद आए हैं। हम ट्रैवल कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। हम ये भी आपको बता दें, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है विद द नेम हैप्पी ग्रूवी लकी। हम अक्सर ट्रैवल करते हैं तो वही हम अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस उस वीडियो में शेयर करते हैं, तो यहाँ कहीं मैं उसे लिंक कर दूंगी, आप प्लीज वो भी देखिए और हमें बताइए हमारी ट्रैवल वीडियोस आपको कैसी लगती है। चलिए अब आते हैं अपने घर पे, यहाँ गार्डनिंग पे। तो मैं कह रही थी कि हम कुछ 20-25 दिन बाद आए हैं घूम के अपने घर और अभी आपको कुछ हम अपडेट्स देते हैं। कुछ चीजें और सुंदर हो गई है, कुछ चीजें खराब भी हो गई है। तो बहुत सारे हमें ना इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे, किसी कईयों के डीएम आए कि आपके प्लांट्स को वाटरिंग कौन देगा आपके पीछे। तो हमारे घर पे माली भैया होते हैं तो घर वाले भी यहीं पे होते हैं, तो कोई ना कोई हमारे घर में से पानी दे देता है। बट वाटरिंग की अगर बात आ रही है तो अब की बार इतनी बारिश हुई है कि वाटरिंग तो क्या, अब की बार ओवर वाटरिंग हो गई है। और हमारी मतलब फसल कह सकते हैं आप, हम तो सिर्फ फसल ही बोलेंगे, खराब हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर वाटरिंग। सब नहीं हुई है बट मैक्सिमम हो गई है। तो शुरुआत करते हैं, आपको एक, आप सभी को एक बड़ा शॉक देने वाले हैं हम। 1 2 3 ये हमारे टमाटर के पेड़ लगाए थे हमने, बहुत अच्छे ग्रो करे थे, बहुत अच्छे, एक्सट्रीम अच्छे ग्रो करे थे, कुछ में तो इस तरह लग भी गए थे। बट ये क्या हुआ, इतनी बारिश हुई अभी लास्ट सितंबर के मंथ में जो कि होती नहीं है यूजुअली। ओवर वाटरिंग की वजह से ये सारे टमाटर के पेड़ हमारे खराब हो गए। अब ये इतने भारी थे कि इन्हें खिसका के कहीं और भी हम ले जा नहीं सकते थे कि अगर बारिश हो रही है तो इससे बचा ले। ऊपर से हमें जो लग रहा है कि इसमें ना ड्रेनेज की भी थोड़ा सा इशू है कि इसका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं था, बट उस टाइम पे जिस टाइम पे हमने लगाए थे उस टाइम पे बारिश नहीं होती है, तो ऑब्वियसली ये अच्छे से ग्रो करने चाहिए थे बट नहीं हुए, ये खराब हो गए। अब ये देखिए कि ये दूसरा प्लांट, इसमें शायद ड्रेनेज हमारा ठीक था तो फिर भी ना देखो टमाटर लग रहे हैं और मतलब मगर छोटे ही रह जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसका, अगर किसी के पास है सजेशन। छोटे छोटे कल मैं तोड़ के ले गया हूँ इसमें से। हाँ कुछ हो गए थे लाल बट साइज उनका ना ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। बट हमें मतलब मेन जो हमें अभी तक ये लगा है कि इसमें बहुत ज्यादा पानी हो गया, बहुत ज्यादा बारिश गिर गई, इस वजह से ये गल गए। शायद हम गलत भी हो सकते हैं, तो इसका अगर किसी को पता हो रीजन कि क्या हुआ है, क्यों हमारी टमाटर की फसल खराब हुई है, तो प्लीज वो बताएं। तो अगर आप में से जो नॉर्थ इंडिया से हैं ये देख रहे हैं तो आप समझ सकते होंगे इस बार तो कितनी ज्यादा बारिश हुई है यहाँ। मतलब सितंबर मंथ में कैसा होता था, ग्रेजुअली बारिश कम हो रही है, बट इस बार ऐसा था बारिश और तेज हो रही है। अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी यहाँ पे इतनी बारिश हुई है देहरादून में। एक हमने फ्रास्ट बीन भी लगाई थी बट ये तो हमने ऑफ सीजन में लगा दी थी, बट फिर भी इसने हमें काफी दिए। मम्मी बता रहे थे हमारी कि काफी उन्होंने प्राजवीन तोड़ी है इसमें से, बट ये तो अब आगे शायद होगी नहीं, इसमें भी हम कुछ और लगा देंगे। काफी अच्छी और बड़ी बड़ी हो गई ना देखो। हमें क्या लग रहा है कि हमारे या तो टैंक्स में इनमें ड्रेनेज का इशू है, तो हम सोच रहे हैं सबको निकालें और इनमें ड्रेनेज दोबारा से बनाएं। और इसमें ना हमने एक जो बहुत ही बड़ी गलती की है ना, ये सारी हमने ना इसमें मिट्टी भरी है ये तो हमें इसका भी आया था ना कि वो राइस हस्क, तो हम इसका भी वेट कर रहे हैं। जैसे अभी चावल का हार्वेस्टिंग सीजन आ चुका है ऑलमोस्ट, तो हम राइस हस्क का इंतजाम कर रहे हैं, वो आ जाएगा तो हम इसमें राइस हस्क मिला के और मतलब इसमें लाइट मटेरियल बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि इसपे छत पे बाहर ना रहे। ये आधे से ज्यादा मतलब इसपे राइस हस्क होगा और फिर हम इसमें मिट्टी कंपोस्ट और कुछ वो कोकोपीट डालेंगे। और वैसे इसी बात पे आप ये भी देखिए, हमारी ये अब सूखने लग गई है हल्दी। अब हमें सब कुछ पता है हल्दी हार्वेस्टिंग के बारे में। तो ये देखिए, आपको अपने क्रेट्स में हमने जो सब्जियां लगाई थी अपने ट्रिप पर वहां जाने से पहले वो भी दिखा दें। और ये हमने यहाँ बीट रूट लगाई थी तो ये कुछ नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे मुझे ये गेंदे के दिख रहे हैं। अब दूसरी ये क्या थी चिराग, मूली ना?
ठीक है, ये मूली के पत्ते हैं और काफी बढ़िया बढ़िया ये हो गया है, मतलब शक्ल अच्छी दिख रही है इसकी, सक्सेस। तीसरा क्या है चिराग? गाजर लगाई थी यार एक में, इसीलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ ना वो होना चाहिए लिखा हुआ, आप देखो भूल गए ना हम, वीडियो में अब वीडियो में देखना पड़ेगा पुरानी। गाजर थी शायद, बट इसमें तो धनिया उग गया, धनिया ही है ना ये? नहीं, धनिया तो ये है चिराग। अच्छा, इसमें धनिया लगाया था, धनिया की भी कंडीशन हमारी ठीक नहीं निकली। और इसमें नहीं, बट ठीक है चिराग, इतना तो यहाँ से, बट यहाँ क्या होगा? इसमें पालक है, ये मूली है, ये पालक है शायद। नहीं, मूली हमने दो जगह लगाई थी, ये भी मूली है, इसमें कीड़ा लग चुका है। ये देखो, ये यहाँ से ये सारे पत्ते देखो इधर, ये तो पूरा खाई गया एक, तो हमारे पीछे ये सब हुआ है यहाँ पर, बस इसमें अभी ये बचा हुआ एक। तो अभी तक जितनी भी हमने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं ना अपनी क्रेट में या इन टब में, मतलब अनसक्सेसफुल से ही रहे हैं हम। तो हम मतलब एक ये भी सोच रहे थे कि हम ना ग्रो बैग में शिफ्ट हो जाए, शायद उसमें ड्रेनेज प्रॉपर होता हो। और कई लोगों के इस तरह के कमेंट्स भी थे कि आपने मूली क्रेट में उगाई है तो नहीं उग पाएगी, क्योंकि इसे प्रॉपर स्पेसिंग नहीं मिल पाएगी उगने के लिए। तो हम ग्रो बैग में अगर शिफ्ट होएं तो किस साइज के ग्रो बैग्स हम लें, किस कंपनी के लें, क्या प्रेफर्ड है, आप लोगों ने अगर यूज कर रहे हो तो प्लीज वो भी सजेशन में हमें बता सकते हैं। एक जो हमारी सबसे अच्छी चीज निकली है वो है बैंगन। कुछ कुछ वैसे खराब भी हो गए हैं, जैसे ये थोड़ा ज्यादा ही गल गया, ओवर राइप हो गया, तो ये ठीक है, इसे हम निकाल देते हैं। एक यहाँ है बैंगन, बहुत सारे आए हमारे, ये देखिए, ये वाइट ब्रिंजल, वाह, ये देखिए आप साइज, एक मुझे और यहाँ दिख रहा है इतना बड़ा, ये देखिए चिराग वहां से तोड़े जा रहे हैं, वारे यहाँ पे ये। अच्छा, ये भी खराब हो गया क्या? ये निकाल तो दो, देखते हैं, पता नहीं ब्राउन ब्राउन, काट के देख लेंगे एक बार, ऐसे लग रहा है, बट कितना बड़ा हो गया ये भी। ठीक है, एक यहाँ ये छोटा सा दिख रहा है, देखना ये हो गया। अभी वैसे सर्दियों में नहीं होते कि आएंगे इसमें अभी, फिर पता नहीं यार, गर्मियों से लगा हुआ ये वाला पेड़ पर मस्त चला, मस्त चला। तो अभी आपसे ये भी क्वेश्चन हमने पूछना है, ये आप इसकी मैं आपको शक्ल दिखा देती हूँ, ये बैंगन का प्लांट है पूरा, कुछ ही एक दो सूख गए हैं, बाकी सब अभी भी बढ़िया दिख रहे हैं। तो अब इनमें अभी भी सर्दियों में आएंगे कि हमें ये अब निकाल के इसमें दूसरा हम कुछ और लगा लें, दूसरी कोई सब्जी लगा लें। तो अभी तक हमने आपको ऑलमोस्ट अपने जो खराब खराब हुए हैं ना वो दिखाए हैं, अभी जो ना बढ़िया बढ़िया चले हैं वो दिखाते हैं। ये देखिए हमारा रोज का फूल, ये डार्क पिंक में देखिए, यहाँ देखिए रेड में भी आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए हमारे गेंदे के फूल बढ़िया बढ़िया आ गए सब में। एक और चीज जो हमें बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं कि आपने ना इस वाले हिस्से पे अपनी छत की बहुत सारा वेट रख दिया है, वहाँ पे देखो टंकियां भी हैं, एक हमारी पानी की टंकी पहले से ही है और तीन चार हमने टब वब और रख दिए, तो हम क्या सोच रहे हैं ना इस वेट को भी ना थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि जब इतने लोग बोल रहे हैं तो उस चीज को इग्नोर नहीं करनी चाहिए चीज। तो हमारा क्या है, जो यहाँ पे कॉलम्स हैं, हम सोच रहे हैं इस कॉलम से इस कॉलम के बीच में इस तरह से बीम डले हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़े से गमले रख देंगे इधर से हटा के, ये वाले से वहाँ तक भी पूरे बीम बीम पे ही हम सोच रहे हैं कि पूरा अपना गार्डन रख लें, ताकि ये जो छत पे दिक्कत आने वाले इशू है वो आए ना। बहुत जल्दी आप एक ये चेंज देखेंगे हमारे टेरेस गार्डन में, बहुत एक अलग सा लुक आने वाली है बहुत जल्दी। मतलब ये सब चीजें भी हम चेंज करने वाले हैं कि यहाँ से गमले हटा के कहीं और रखने वाले हैं, और जो हमने बरसातों के लिए गमले यहाँ पे रखे थे बाहर कि बारिशों में इन बढ़िया हो जाए, उन्हें भी हम सोच रहे हैं कि अब अंदर रखने वाले जितने गमले हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके थोड़ा शेड में रखने शेड के में लिए रख दें। ये सब बहुत सारे काम है, अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, वो भी अब नेक्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं, अभी तो हमारी थकान ही उतर रही है 20 दिन की। और ये हमारा ना यहाँ लेमन ग्रास है, अभी देखिए कैसा खाली खाली हो गया, नहीं तो कैसा इतना इतना यहाँ तक भरा हुआ था पूरा। ये ना हम ना डेली इसकी चाय पीते हैं घर पे, तो इस वजह से ये कम 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 और खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, बस अभी कुछ ही मतलब मुझे लग रहा है एक हफ्ते का बस बचा है इसमें माल ना। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना अभी भी इसमें देखो पूरी जान है यहाँ, तो इसको अगर हम थोड़ा रीपॉटिंग कर लें आगे एक दो पॉट्स में ना, और अभी ये सही टाइम रहेगा ये करने का, और इसकी रिपोर्टिंग हो सकती है नहीं हो सकती है, तो प्लीज आप ये कमेंट्स में जरूर बताइए हमें, क्योंकि अब हम ना लेमन ग्रास के ना बहुत बड़े फैन हो गए हैं, लेमन ग्रास टी के स्पेशली बहुत बड़े फैन हो गए हैं,
इसकी खुशबू इतनी पसंद है ना हमें। इनफैक्ट ये थोड़े बहुत अगर जैसे सूखे पत्ते भी है ना, इसको बिल्कुल ऐसे क्रश करके हल्का सा ना किसी एक पतली सी कॉटन की पोटली में डाल के आप अपने कमरे में भी रखो तो उससे भी इतनी खुशबू आएगी आपके रूम में। आधा टाइम तो मैं बस यही सुनती रहती हूँ। तो प्लीज आप ये हमें कॉमेंट्स में बताइए, इसका रीपॉटिंग हो सकता है नहीं हो सकता है, अभी ये टाइम सही है इसका रीपॉटिंग करने के लिए? आज बहुत सारे हम आपसे सजेशंस मांग रहे हैं और हमें सारे सजेशंस चाहिए। अब जैसे हमारा ये वाला पेड़ है ये ना येलो पड़ना शुरू हो गया, अब इसे भी मतलब धूप से हम छाया में रख तो देंगे बट ये पूरे पत्ते अब इसके झड़ जाएंगे, इसका वो मौसम आ गया। इसका वैसे गमला भी टूट गया तो इसके लिए भी हम सोच रहे हैं, वैसे तो अब हम सोच रहे हैं कि ना पॉट्स में ज्यादा खर्चा ना करके ना ग्रो बैग ही लिया है, वो सस्ता पड़ता है और उसे उठा के रखना भी इजी है। बहुत खर्चा हो गया हमने गार्डन में ना, जो उसमें ना बहुत पैसे फूंक दिए, अब हम सोच रहे हैं ग्रो बैग ही लाए। जो ग्रो बैग देखते हैं क्या रेट पड़ते हैं या किस उसके जो आप सजेस्ट करेंगे किस कंपनी के लेने हैं। कि ये वाले प्लांट्स तो पूरे अपने बढ़िया चल रहे हैं, कि हमारा सुंदर सा रियो प्लांट फिर दोबारा देखो कैसे फैल गया। हाँ देखिए ये ऑल्टन एंथ्रा कितना सुंदर हो गया है, वाओ। आपको मधुमालती की अपडेट चाहिए तो मधुमालती हमारी इतनी बड़ी हो गई है, अब थोड़े दिन में हम इसे बांधना शुरू करके इसे रास्ता देंगे यहाँ पे, सोच रहे हैं इस पे लगा के ना, तो फिर ये और जल्दी जल्दी ग्रो करेगी। हमारा तो बोगनविलिया भी बड़ा सुंदर चल पड़ा। तो आज की वीडियो में ज्यादा कुछ था नहीं, आज हम बस इसीलिए आए थे कि थोड़ा सा सजेशंस ले लें, क्योंकि अब जैसे विंटर आ रहा है तो किस तरह से क्या क्या करना है ये देखने आए थे हम। सारे हमारे बेलों वाले प्लांट है जिनको हम सोच रहे हैं कि बांध दें अच्छे से, और कहाँ कहाँ उनकी प्लेसमेंट करनी है, ये जो चेंज करना है बस यही आप सबको बताना था और थोड़ा अपडेट भी देना था। तो जो भी हमने आपसे सजेशंस पूछे हैं प्लीज आप कमेंट्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।